नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एचपी बोर्ड में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ 10/6/2023 को, उसके मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन 51 सीरीज ए है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स रेज टू पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो इसमें जब भी हम कभी भी सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो जीरोज निकलते हैं वो कितने आते हैं हमारे पास, सिर्फ 2 जीरोज आते हैं। तो इसका आंसर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द एनन टर्म इन एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए एन और डैश है, यहाँ पे हमने इनमें से कोई छांटना है। तो ध्यान रहे तो ए होता है, तो जो फॉर्मूला है वो ए एन या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर ए होना है। एपी के लिए अगर हम एन एन टर्म निकालते हैं ए एन, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए के ए यहाँ पे ए आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ वॉल्यूम होता है स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ई डैश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पी ई प्लस पी ई डैश इट इज ए नॉट, हम इसको नॉट भी बोलते हो, इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो पी ई की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही दी हुई है, 0.05 प्लस पी ई डैश इज इक्वल टू 1। तो हमने वैल्यू निकालनी है पी ई डैश की, तो पी ई डैश जो है हम अपनी जगह पे रख लेंगे इज इक्वल टू 1। तो ये इसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे 0.05, अगर इसको माइनस करेंगे आएगा 0.95, ठीक है। तो 0.95 डी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं, जो रूट में होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इरेशनल नंबर। मीन्स जिनका रूट नहीं होता है, नो रूट नहीं होता है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो देखिए, यहाँ हमारे पास √4/√25 दिया हुआ, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है 4, ये होल रूट है, तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका 4 का रूट कितना होगा 2, 25 का रूट कितना होगा 5। तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट तो हट गया हुआ है इसमें, कहने का मतलब ये। फिर 3/2 है, ये तो पहले से ही कैसा है कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है जिसमें रूट नहीं है। तो यहाँ देखिए √3, तो और 169 भी जो है वो भी कैसा है, हमारे पास पहले से ही नंबर है, कैसा, रेशनल नंबर है, ये कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में लिखे जाते हैं, वेयर q इज इक्वल टू नॉट पी 0। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है, सी है, क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ है, तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, तो इनका सॉल्यूशन हमने निकालना है। तो इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। सिंपली देखिए क्या करें, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो x-5/3, मैं ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिक भी है इसकी, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। जब भी कभी फ्रैक्शन हो बीच में इक्वल टू हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 5 को जो हूँ x-5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इज इक्वल टू 3 को किसे करूँगा, x-3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास 5x-25 आएगा, इज इक्वल टू 3x-3 3 9। तो देखिए लाइक टर्म जो है, एक्स एक्स जो है, एक राइट हैंड साइड है एक लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं राइट हैंड साइड से ट्रांसपोजिंग करूँगा, तो 3x हो गया इज इक्वल टू, अब -9 में क्या है, राइट हैंड साइड है, ये माइनस का था, तो मैं इसको इस साइड ले गया, 25 प्लस का हो गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वापस 2x हो गया माइनस करके, तो यहाँ वापस 16 बच गया, तो x इज इक्वल टू 16/2 हो गया, तो कट के कितना आया 8। तो देखिए इनमें से कहीं 8 था, बिल्कुल है, तो सी जो है इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ दो वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, एक ध्यान से समझिए। अगर एंगल्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री का सम जो है, सप्लीमेंट्री का सम
सम जो है वो होता है 180 डिग्री। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 70 प्लस 110 किया तो हमारे पास 180 सम आया, तो यही इसका आंसर है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा होता तो इसका आंसर 45 45 सी होता, तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये वाला इसका आंसर है 70 डिग्री एंड 110 डिग्री। इसको प्लस करेंगे 180 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। देखिए यहाँ पर 8% जो है वैट है, 8% वैट का मतलब है कि हम उसमें प्लस करेंगे जो आपका खरीदार है, ठीक है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर, जो वैट है वो हमारी जेब से जाता है, जो खरीदने वाला है उसकी जेब से। अगर डिस्काउंट है तो वो जो आपका दुकानदार है वो छोड़ता है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, तो हमने प्राइस निकालना है उसका कि पहले प्राइस क्या था। तो ऑरिजिनल प्राइस हमने एक्स मान लिया यहाँ, तो वैट 8% है, ऑफ ऑरिजिनल प्राइस पे ही वैट है वो। अगर सी पी देखे, इसका कॉस्ट प्राइस देखे, कॉस्ट प्राइस जो है एक्स प्लस जो एक्स जो वो तो देना ही पड़ेगा उसको, एक्स जो देना ही पड़ेगा और वैट भी साथ में देना पड़ेगा, तो कितना है 5400 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने क्या क्या सी पी जो है एक्स प्लस 8x/100 किया, इस चीज़ को निकाला है हम सी पी को। तो सी पी मतलब कि ये है हमारे पास, हमने इक्वल टू लगा दिया हुआ है इसको, तो 8x+100 = 5400 ले लिया हमने। एक्स की जगह एक्स लिखा, वैट लिखा मैंने 8x/100 क्योंकि 8% है ऑफ एक्स का, ठीक। तो हमने 100 कर दिया, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ 1 है फ्रैक्शन, तो एलसीएम लेते हैं। तो फ्रैक्शन को सॉल्यूशन के लिए मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर करूँगा। 100 को डिवाइड 1 से किया तो हमारे पास 100 आना है, 100 को एक्स किया तो 100x आया, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, 1 × 8x = 5400 आ गया हमारे पास। तो यहाँ हमने x देखा तो सारी लाइक टर्म थी, तो हमने कर दिया 108x हो गया = 54 × 100। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पर, इसको मैंने ऐड किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा ही कर दिया हुआ है। तो x इजिकल टू आया हमारे पास 5400 × 100 / यहाँ पे टोटल कर लूँ मैं, यहाँ आएगा 108। तो अगर देखें तो ये 18 के टेबल में ही आता है, यहाँ आएगा 6 18 6 108, तो 18 3 54 होता है। तो x कितना है हमारे पास, x इज इक्वल टू हमारे पास है 300 × 100, तो यह आया हमारे पास 1 2 3 / कितना किया हमने 6 6 1 6 6 5 30 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सीधा सीधा 5000। तो डी इसका सही आंसर है। 59th क्वेश्चन है 3 1 8 6 और 7 times 0 है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कभी भी किसको किसी भी डिजिट को एक्सप्रेस करते हैं तो इट मींस कि यह हमको सिग्निफिकेंट फिगर का देखना है, सिग्निफिकेंट देखना है। सिग्निफिकेंट किसका देखेंगे हम, जीरोज का देखने वाले हैं, वो चाहे राइट हैंड साइड है चाहे लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 3, अभी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो जीरोज कितने हमारे पास 7 है, और इस केस में 1 2 3 4 4 जो है हमारे पास क्या यहाँ पर डिजिट है, तो टोटल डिजिट हमारे पास 11 बन गई है। तो अगर मैं 11 बोलूँ तो इसको मतलब कि 3 1 8 6 1 2 3 4 5 6 7 × 10^10 अगर 10 यहाँ करूँ मैं तो 10^10 मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तो इट मीन्स कि अगर हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10th ये वाली हमारे पास कितनी है 10 प्लेस है, तो मैं इसको लिख लूँ 3.18 6 1 2 3 4 5 6 and 7 × 10^10 हो गया हमारे पास 10। जो ये वाला था अपॉन में इक्वल किया था तो उसको मैंने क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया हुआ है, इतने मैंने डेसिमल लगा दिए। तो इट मींस कि मैंने पहले ही बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करें तो अगर राइट हैंड साइड जो है कभी भी जीरोज होती है डेसिमल के, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर हुआ 3.186 × 10^10 हुआ। अगर यहाँ इस साइड भी हो तो तब भी, पर शर्त यह है कि बीच में इसके अंदर जो कोई इसके बाद कोई डिजिट ना हो, तो इसका आंसर जो है ये है डी 3.186 × 10^10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60-72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो मैं जब भी जहाँ जब जितने भी मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के हैं सारे के सारे क्वेश्चन, 7th और 8th क्लास के,
सिर्फ सेवन्थ और एट्थ के ही सारे के सारे क्वेश्चन थे। तो अब यहाँ देखते हैं, तो सीधा बात है कि 72% का मतलब 100 × 25, तो 25 × 25 हो जा, हमारे पास हो गया 100, 4 × 4 = 4, 4 × 4 यहाँ पर कितना बच गया 3, 18, तो हमारे पास आ गया 18। तो 18 जो आया, तो 18 जो जब बोला कि 25 है सारे के सारे, तो 25 में से माइनस किया हमने कितना, 18 इजिकल टू कितना है, 7 आ गया वो। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 25 थे। तो 18 जो थे, 18 जो लाइक कर रहे थे और जो अनलाइक कर रहे थे वो 7 थे। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। देखिए यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। अब ये तो छोटा छोटे लेवल का है, थोड़ा और भी कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं कि क्या बोला है कि जब भी कभी आपको 7 मीटर, देखिए 7 मीटर है, 7 मीटर मीन्स मोर है, और 5 मीटर भी निकालना है तो फिर ये भी क्या है, मोर है। 7 मीटर के पास हमारे पास कितना है, 294 है। तो इट मीन्स हमारे को सबसे पहले 1 मीटर का निकालना पड़ेगा, 1 मीटर का। तो 1 मीटर का कैसे निकाल पाएंगे हम, सबसे पहले 294 जो गिवन है अपॉन 7 कर लेंगे हम, क्योंकि 7 का पहले हमारे पास बोला है। तो 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = तो ये है हमारे पास 1 मीटर का 42 रुपीज़ आ गया है। तो कितने का पूछा है, 5 का, तो सीधी बात है 42 × 5 कर लीजिएगा, तो एकदम से आंसर 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 20 एंड 1 = 210, तो बी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इन द इक्वेशन 7x − 9 = 16, द वेरिएबल इज। तो देखिए यहाँ वेरिएबल ही पूछा है हमारे को, सॉल्यूशन नहीं पूछा है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर तो एक्स की वैल्यू पूछी होती तो हम इसको सॉल्व करते। तो देखिए ये क्या है, वेरिएबल क्या है, ये एक्स है, 7 क्या है, कॉफिशियंट है, 9 क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट टर्म है -9, और 16 क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है कि एक्स है वेरिएबल। अगर इसका आपको पूछा होता कि इसका क्या निकालना हमने, एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या करूँ, 7x को अपनी जगह और 16 को राइट हैंड साइड पे था, और माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 7x = यहाँ पे हो जाएगा 25, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 25/7, अगर हमारे से पूछा जाता है। अदरवाइज यहाँ पे तो वेरिएबल ही पूछा है, तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इसका आंसर बी है, एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज। जब भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो इसका मतलब है कि वो 1 के बराबर आना चाहिए। कैसे, देख लीजिए, 1/5 मल्टीप्लाई जो है, अगर कब किस कितने से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, तो मैं इसको 5 से ही करूँगा, 5 × 5, 5 × 1, तो इट मीन्स वो क्या था, हमारे पास नंबर 5 था, ना कि 1, 1 मत समझना कि 5 था वो। तो इसका मतलब जो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल आर इक्वल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिनकी 4 साइड्स होती हैं वो होते हैं क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, और रेक्टेंगल भी, और पैरेललोग्राम भी, और काइट भी। तो याद रहे कि डायगनल जो है हमेशा स्क्वेयर के इक्वल रहते हैं, और हमारे पास रेक्टेंगल के इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर स्क्वेयर नहीं था, तो इसका मतलब कि रेक्टेंगल के जो डायगनल है वो इक्वल है। तो इसकी रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 2D डायमेंशन, टू डायमेंशन की, और जब ए मेंशुरेशन की, तो उसको भी आप देख लीजिएगा डिटेल में, और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ ए नंबर 11 इज। तो 11 की मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी 11 की मल्टीप्लिकेशन होती है तो आपने क्या करना है, किसी भी नंबर से, ठीक है, इसको ये वाला 1 लिखा मैंने यहाँ पर, ये वाला नहीं था, ये वाला 1, 1 + 1 कितना हुआ 2, और 1 रह गया खाली, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझ आएगा आप आराम से। तो 1 का 1 लिख लिया मैंने, फिर प्लस करते रहिए, 1 + 2 कितना हुआ आपके पास 3, 2 + 1 कितना हुआ आपके पास 3, और 1 का 1, कैरी कुछ नहीं था ये, तो इसका आंसर है 11, 3, 3। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 11 का, तो और भी आपके काम आएगा, 2, 3, 2 × 11 मान के चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो पहले क्या लिखना है, 2 का 2 लिखना है, 3 + 2 = 5 हो जाएगा, फिर 3 + 2 फिर अगेन 5 हो जाएगा, कैरी कुछ नहीं था, तो 2 ये इसका आंसर है। ठीक है, उसका आंसर तो 11, 31 था, सिंपल है इसको मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, परसेंटेज ऑफ 2:3।
तो जब इस टू की बात करें, रेशियो की बात करते हैं, तो ये हमारे पास 2/3, हम इसको ऐसा लिखते हैं रेशियो को हम कन्वर्ट करके, तो परसेंट है तो इनटू 100 कर लेंगे हम यहाँ। तो देखिए अगर तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ फ्रैक्शन में भी दोनों साइड हिसाब से करना है आपने, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी या डेसिमल में आया, तो यहाँ आया 200/3। तो देखिए अगर मैं इसको काटूँ तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ साइड में कर लेते हैं, 200/3, 3 1 3, 3 6 18 हो गया हमारे पास, यहाँ फिर से हमारे पास 2 कैरी बच गया, तो 18 पॉइंट फिर से 666 ऐसे करके। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो देखिए ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वीडियो में पहले बोल चुका हूँ कि बना चुका हूँ मैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, 200 को किससे डिवाइड किया, मैंने 3 से डिवाइड किया, तो कितने आए, 6 18, फिर यहाँ पर 2, फिर 6 18, तो देखिए यहाँ कैरी कितना बच गया, हमारे पास 2 बच गया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो 3 है वो अपनी प्लेस पे रहेगा, जो हमारे पास क्या है क्वेश्चन आया वो आपके मुंह के आगे लगेगा, और जो 2 है वो ऊपर रहने वाला है। तो इसका आंसर ये वाला है, C 66 होल 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, प्रोडक्ट ऑफ एम माइनस एम एन एंड एम एन पी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो देखिए एम को मैंने मल्टीप्लाई इससे भी किया और इस टर्म से भी किया, तो एम कितने हैं पास, 1 2 3, तो एम का क्या हो गया, क्यूब। देखिए यहाँ माइनस है क्योंकि प्लस, इसमें 2 प्लस है 1 माइनस है, तो एम माइनस का आने वाला है। तो एन देखिए कितने, 1 और 2, तो एन का कितना हो गया, स्क्वेयर हो गया। पी कितना है, 1 है, तो देखते हैं इसमें से है कहीं ये वाला, बिल्कुल है, तो एम माइनस एम क्यूब एन का स्क्वेयर पी ए जो है इसका आंसर था। तो प्रोडक्ट इसका मतलब ये कि एम मल्टीप्लाई किया है हमने माइनस एम और एन से, और मल्टीप्लाई किया है हमने एम एन और पी, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, तो इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक आइडेंटिटी, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी की, क्योंकि ये पूछी गई थी। तो देखिए जब भी माइनस हो तो इट मीन्स कि ए का क्यूब माइनस बी का भी क्या क्यूब है, -3 है ये टर्म, 3 ab, फिर यहाँ होगा ए माइनस बी, देखिए सारे के सारे क्या है, ये माइनस के हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 ab को मल्टीप्लाई मैंने ए से किया, तो कितना आएगा, 3a² b, और माइनस साइन यहाँ है माइनस यहाँ है, तो हो गया प्लस, तो हो गया 3 ab था हमारे पास स्क्वेयर। तो देखिए इनमें से कौन सा आगे पीछे लिखा हो सकता है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या है, इसमें भी है और हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी है, पर कंडीशन ये है कि 1 प्लस का आने वाला है, तो प्लस का कौन सा आने वाला है, 3 ab का स्क्वायर, तो 3 ab का ये है सी इसका आंसर, आगे पीछे ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, एरिया ऑफ ए ट्रपीजियम इज, देखिए सबसे पहले तो ट्रपीजियम देख लीजिए, ये क्या है, ट्रपीजियम है। तो मैं बोल चुका हूँ कि मेंसुरेशन में मैं ये डिटेल में बता चुका हूँ। तो देखिए पैरेलल साइड होती है दो, एक दो होती है नॉन पैरेलल साइड, तो ये है हमारे पास ट्रपीजियम। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया के लिए क्या होता है इसमें कि डायरेक्टली हम एरिया नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, साइड्स क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं जिससे हम इसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि ये जो है ये तो एरिया है ट्राइंगल का, ठीक है, और ये जो एरिया है ये है पेरीमीटर, पेरीमीटर है। तो यहाँ देखिए दो ही ऑप्शन बचते हैं, बी और एच वाला, बेस इंटू हाइट तो नहीं है, तो ये है 1/2 इंटू हाइट सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, जो दोनों पैरेलल साइड है, तो इसका आंसर सी है एरिया का। तो ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि जो आपके ट्रपीजियम हैं वो कैसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, वहाँ पे बताया था मैंने। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, इफ द डायगनल ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द इक्वल टू, एरिया कितना होगा। देखिए ये रोम्बस है, तो रोम्बस का जो एरिया है वो होता है 1/2 इंटू डी डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगनल 2, सिंपल है ये, 1/2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ 2 1 2, 2 4 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा, तो यहाँ 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, द वैल्यू ऑफ 3^-2 इज, देखिए अगर मैं बोलूँ एन रेज टू पावर -2 है, तो मैं इसको 1/n भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो आपकी रेज टू पावर 2 भी लिख सकता है, एन बाय रेज टू पावर 2, क्योंकि जो माइनस की टर्म है यहाँ से जब ऊपर जाते हैं 1/2 रेसिप्रोकल -2 होता है,
तो इट मींस ये लिखा गया 1/3^2 है, तो इट मींस 1/3 = 9, 1/9 जो है बी इसका राइट आंसर है। 72 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 28x^4 डिवाइडेड बाय 56x, तो इट मींस कि 28 जो है एक्स कितने यहाँ पर हमारे पास, ये जो 28x^4 है कैसे बनता है, ये मल्टीप्लाई हमने एक्स को कितने टाइम किया है, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1, 2, 3, 4 अपॉन 56 में कितना एक्स है यहाँ पर, सिर्फ एक्स एक है, तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 था, तो देखो यहाँ कितने एक्स, 1, 2, 3, 4 तो x^3 कितना 3 बच गया यहाँ पास, अपॉन कितना यहाँ पास 2 है, तो ये इसका आंसर है। देख लेते हैं यहाँ, तो पहला ही जो है ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा का है, 73, सम ऑफ 8a 7a एंड -16a, सम का मतलब प्लस होता है, 8a प्लस किया हमने कितना 7a प्लस -16a, जब भी माइनस की टर्म आए तो हम उसको विद इन ब्रैकेट लिखते हैं, तो वो क्यों लिखते हैं अभी बताता हूँ, 8a प्लस 7a क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं साइन, प्लस माइनस माइनस ये हो गया 16a, अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया 15a माइनस है 16a, तो अब देखिए बड़ी टर्म जो है वो माइनस की है तो आपस में कट की, तो माइनस ए इसका आंसर आने वाला है, तो ये इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, 3^2 प्लस 4^2 इज इक्वल टू, देखिए अगर तो पैटर्न होता तो इक्वल टू नहीं होता, कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ पर पैटर्न हो तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, अगर इक्वल टू का साइन लगा तो इट मीन्स कि इनका सम पूछा हुआ है हमारे पास, 3^2 का मतलब हुआ 9, 3 = 9, 4^2 का मतलब हुआ 16^2 मतलब 20 है ये, तो अगर हम इसको देखें यहाँ माफ़ कीजिएगा प्लस का साइन है तो ये आया हमारे पास 25, तो देख लेते हैं 25, तो 25 है तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है पैटर्न भी हमारे को दिख रहा है, तो इट मीन्स कि क्या है 5^2 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 25 आया तो यहाँ दोनों ही इकट्ठी चीज़ें बता दी है, ठीक है यहाँ क्वेश्चन से देख लिया मैंने, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 25 का रूट जो है कितना होने वाला है यहाँ पास 25 इसी पैटर्न में लिखे तो कितना लिखूंगा मैं 5^2, तो इसका आंसर जो है 5^2 होने वाला है, पैटर्न भी दिया है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आ मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर, देखिए यहाँ पे हमारा 6 आवर दिया हुआ है, तो आगे पूछ लिया हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, जब भी हमारे पास कोई ज़्यादा नंबर दिया हो या ज़्यादा टाइम दिया हो कोई भी चीज़ दी हो तो हमने ए का निकालना होता है, तो देखिए पहले देखिए तो 6 आवर में है, 6 आवर में कितना निकाल रहा है हमारे पास 840 बॉटल्स बना रही है, तो 1 आवर का निकालना पड़ेगा आपको, 840 upon 6, 6 + 6, 6 + 6, यहाँ पर 2 बच गया, 4 + 0, तो 1 आवर में ये 140 बॉटल क्या है कि बना रही है, तो 140 तो कितना पूछा है हमको 5 आवर पूछा है, तो इंटू 5 = हाउ मच, या हमारे पास 5 × 0 = 0, 5 × 4 = 20 और 5 × 2 = 700, तो सी इसका आंसर है। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अब देखने में तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल सिंपल है, पर ये सिंपल तो लगते हैं, पर 1 का निकालना है तो हमने क्या करना है डिवाइड करना है यूज, अगर ज़्यादा का निकालना है मोर का, अगर 1 का गिवन है, 1 गिवन है तो हमने क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये इसका सिंपल ट्रिक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।